सब्सक्राइब कीजिए 0 to 9 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे मई 2018 के तीसरे हफ्ते के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन हॉनर्ड विद द 2018 निकी एशिया प्राइज इन जापान? जापान में 2018 निकी एशिया प्राइज से किस भारतीय हस्ती को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है विंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द हाई प्रोफाइल लोकपाल सिलेक्शन कमेटी? हाई प्रोफाइल लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में एमिनेंट ज्यूरिस्ट के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है मुकुल रोहतगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द आईसीसी चेयरमैन फॉर द सेकेंड टाइम? आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर दूसरी बार किसे चुना गया? तो इसका आंसर है शशांक मनोहर। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन हॉनर्ड विद द 2018 श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार? श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है आनंदिता अनाम। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बना? तो इसका आंसर है इंडिया। नेक्स्ट वन इज, Who has been appointed as the new chairman of National Highway Authority of India? National Highway Authority of India के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है युद्धवीर सिंह मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who launched भैरव सिंह शेखावत अंतोदया स्वरोजगार योजना इन राजस्थान रिसेंटली? हाल ही में किसने भैरव सिंह शेखावत अंतोदया स्वरोजगार योजना को राजस्थान में शुरू किया? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which city become India's cleanest city under the Swachh Bharat scheme? Swachh Bharat scheme के अंतर्गत भारत का कौन सा शहर सबसे साफ सुथरा शहर बना? तो इसका आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who laid a foundation stone of India's longest road tunnel in J&K? जम्मू एंड कश्मीर में भारत के सबसे लंबे सड़क टनल का आधारशिला किसने रखी? तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which city is selected as India's best city in solid waste management? कूड़ा प्रबंधन में भारत के कौन से शहर को सबसे बेहतर शहर चुना गया? तो इसका आंसर है मैंगलुरु।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी एक्वायर्ड भूषण स्टील लिमिटेड रिसेंटली, हाल ही में कौन सी कंपनी ने भूषण स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण किया? तो इसका आंसर है टाटा स्टील। नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड, नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है शिवांगी पाठक। दोस्तों शिवांगी पाठक मात्र 16 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोबाइल नेटवर्क हैज साइंड अ एमओयू विद सैप टू जॉइंटली ऑफर जीएसटी सॉल्यूशन टू इंडियन एंटरप्राइजेस, कौन से मोबाइल नेटवर्क ने सैप के साथ मिलकर भारतीय इंटरप्राइजेस को जीएसटी का समाधान मिलकर देने के लिए एक एमओयू साइन किया? तो इसका आंसर है BSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ग्रहण की? तो इसका आंसर है रामालिंगम सुधाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ ऑफ वोडाफोन ग्रुप, वोडाफोन ग्रुप के अगले सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है निक रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने कौन से प्रोग्राम को शुरू किया? तो इसका आंसर है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन रन बाय सोलर पावर, सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो इसका आंसर है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट वन इज हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट के तौर पर किसने कार्यभार संभाला? तो इसका आंसर है राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट वन इज हु वोन द चैरिटी अवार्ड इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में चैरिटी अवार्ड किसने जीता? तो इसका आंसर है जागृति यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी द फर्स्ट पैरा नेशनल गेम्स अंडर खेलो इंडिया स्कीम टू बी हेल्ड, खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत किस शहर में पहली पैरा नेशनल गेम्स शुरू होगी? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है उत्तम पचार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
who has been appointed as the chairman and managing director of Coal India Limited. कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अनिल कुमार झा. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन. कौन से देश ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन को लॉन्च किया? तो इसका आंसर है रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अमित खरे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम द चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ के तौर पर दूसरी बार किसे चुना गया? तो इसका आंसर है सी के प्रसाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला. वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसे दोबारा चुना गया? तो इसका आंसर है निकोलस मदुरो. नेक्स्ट वन इज What is the theme of the 2018 International Biodiversity Day? International Biodiversity Day 2018 का थीम क्या है? तो इसका आंसर है celebrating 25 years of action for biodiversity. दोस्तों International Biodiversity Day हर साल 22 मई को मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉलर हैज वोन द 2018 यूरोपियन गोल्डन शू फॉर द फिफ्थ टाइम. किस फुटबॉलर ने यूरोपियन गोल्डन शू 2018 को पांचवी बार जीता? तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश टू प्रोवाइड जॉब्स टू यूथ्स. युवाओं को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन से पोर्टल को शुरू किया? तो इसका आंसर है माई एमपी रोजगार पोर्टल. तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में इतना ही और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा.